गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, शास्त्री स्कूल द्वारा दी जा रही ऑनलाइन क्लासेस में मैं सुनीता अरोड़ा आप सबका वेलकम करती हूँ। क्लास 8 चैप्टर 3 पार्ट 8, आज का जो हमारा पार्ट है उसका नाम है रिवोल्ट। रिवोल्ट मीन्स विद्रोह। अब यहाँ किसके बारे में बताया गया है, आइए इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। ये जो विद्रोह हुआ था ये 1857 में हुआ था और इसमें ये दिखाया गया है, देन देयर वाज ए वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। मेरठ में फिर हिंसा भड़क उठी। वायलेंट मैंने हिंसा, आउटब्रेक मैंने भड़क जाना, एट मेरठ, मेरठ में हिंसा भड़क उठी। द सिपाही इज मर्चेंट टू दिल्ली। द सिपाहीज मर्चेंट टू मार्च्ड टू दिल्ली। सिपाही दिल्ली तक चले गए। लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह। हमारा सम्राट बहादुर शाह अमर रहे। द रिबेलियन स्प्रेड वंडर। विद्रोह विडर वाइडर। विद्रोह वाइड मैंने होता है दूर तक, विद्रोह दूर तक फैल गया, स्प्रेड मैंने फैल गया। मैनी लैंडलॉर्ड्स हैड लॉस्ट देयर लैंड्स। बहुत से भूस्वामी यानी कि जिनकी ज़मीनें थी वे अपनी ज़मीन खो चुके थे, बिकॉज क्योंकि ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज, बिकॉज क्योंकि of the British policies and they were sure, और वे ब्रिटिश नीतियों के कारण और वे नाराज थे, वे अपनी भूमि खो चुके थे और ब्रिटिश की जो नीतियाँ थी उनके कारण वे और भी नाराज थे। The white man's rule must end, गोरों के शासन का अंत होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। Yes, we will help you. हाँ, हम आपकी सहायता करेंगे। अगला पार्ट है हमारा द फाइट फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता का संग्राम, जिसका समय दिया गया है 1857 यानी कि 1857। मैनी फार्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत महल ऑफ लखनऊ वर बीटर। बीटर मीन्स कड़वाहट। बहुत से पूर्व शासकों में जैसे लखनऊ की बेगम, बेगम का नाम है हजरत महल, में कड़वाहट थी। द वाइट मैन हैज टेकन अवे माई किंगडम। इन गोरे लोगों ने मेरे राज्य को छीन लिया है। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैजाबाद टोल्ड द पीपल। फैजाबाद के मौलवी अहमदुल्ला जैसे लोकप्रिय नेताओं ने लोगों को कहा, राइज, उठो ब्रदर्स, भाइयों राइज, उठो। द अंग्रेज इज रनिंग आवर लैंड। अंग्रेज हमारी रुइनिंग, रुइनिंग रुइन मैंने था बर्बाद करना, अंग्रेज हमारी धरती को बर्बाद कर रहे हैं। दे जॉइंट द अपसर्ग अगेंस्ट द फॉरनर। लोग सभी, दे जॉइंट, वे सभी शामिल हो गए। वे विदेशियों के विरुद्ध लहर में शामिल हो गए। द पीपल रोज एवरीवेयर। लोग सभी जगह उठ खड़े हुए। इन बरेलीज, कानपुर एंड इलाहाबाद। कानपुर में, बरेली में, इलाहाबाद में लोग उठ खड़े हुए यानी कि आंदोलन करने के लिए तैयार हो गए। अजमुल्ला खान टोल्ड तांत्या टोपे। अजमुल्ला खान ने तांत्या टोपे को कहा, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब
एज आवर लीडर इन दिस वार ऑफ इंडिपेंडेंस। हमें इस स्वतंत्रता के संग्राम में पेशवा नाना साहब को अपना नेता बनाना चाहिए। द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। राष्ट्रभक्तों ने अंग्रेजों पर हमला किया और संपूर्ण उत्तर भारत में एकजुटता से फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। संपूर्ण उत्तर भारत में एकजुटता से लड़े, यानी कि सभी एकजुट होकर सभी ने लड़ना प्रारंभ कर दिया। 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड ए बुलेट इन हिज रिस्ट। बिहार के 80 वर्षीय कुंवर सिंह को कलाई में गोली लगी। मदर गंगा, दिस इज माय लास्ट ऑफरिंग टू यू। माँ गंगा, यह मेरी आपको अंतिम भेंट है। ये था हमारा लेसन, जिसके हमने कई पार्ट्स पढ़े और उन पार्ट्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। उन पार्ट्स के बारे में मैं आपको बता रही हूँ जिसमें हमारा सबसे पहला जो पार्ट था वो था मेवाड़ के बारे में, शहीदों के बारे में। उसमें शहीदों के बारे में बताया गया था। और फिर उसमें एक लता मंगेशकर के एक मतलब गीत की झलक भी दिखाई गई थी। फिर दूसरा जो हमारा पार्ट था उसमें कंपनी की विजय के बारे में बताया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी से जो हमारे नेताओं ने, जो हमारे देशभक्तों ने विद्रोह किया, आंदोलन किए, उसके बारे में बताया गया था। तीसरे पार्ट में ब्रिटिश शासन के बारे में बताया गया। वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी के कानूनों ने जिस प्रकार से भारतीयों के उद्योगों को बिल्कुल समाप्त कर दिया, उसके बारे में पूरा दर्शाया गया था। और फिर चौथे पार्ट में राजा राम मोहन राय के बारे में बताया गया था कि किस प्रकार उन्होंने लोगों को समझाया और किस प्रकार से उन्होंने लोगों के मन में कुछ विश्वास जगाया। फिर उसके बाद पांचवें पार्ट में अत्याचार, दमन, उत्पीड़न के बारे में बताया गया कि किस प्रकार भारतीयों के खिलाफ अंग्रेजों ने नियम, तृतीय नियम पारित किया और जिसके तहत वे बिना किसी कोर्ट में पेश किए भारतीयों को सीधा जेल भेज सकते थे। और बहुत उन्होंने हमारे देश के लोगों के साथ बुरा किया। फिर उसके बाद छठे पार्ट में उन्होंने असंतुष्टता, यानी कि लोग उनकी जो कार्य प्रणालियाँ थी उनसे संतुष्ट नहीं थे और किस प्रकार उन्होंने अपनी मतलब हम भारत के लोगों को कठपुतलियों की तरह अपनी काम ले रहे थे वो दर्शाया गया। और धर्म परिवर्तन करने के लिए भी कहा गया। इसके बाद सातवां जो पार्ट था उसमें थी चिंगारी, किस प्रकार से चिंगारी उठी और लोग तैयार हुए कि गोरे लोग हमें परेशान कर रहे हैं। और उन्होंने जो ब्राह्मण सैनिक थे उनको बताया कि जिस कारतूस को तुम काट रहे हो वो गाय और सूअर की चर्बी से बना हुआ होता है, गोरे लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं। इस प्रकार से इन लोगों के मन में एक युद्ध की भावना छिड़ी कि हमें गोरों के खिलाफ युद्ध करना है और गोरों को अपने देश से बाहर निकालना है। फिर इसके बाद आठवां पार्ट जो था जो आज हमने रीड किया उसमें विद्रोह दिखाया गया। फिर मेरठ में हिंसा भड़की, बहादुर शाह जफर उसमें उन्होंने अपना पार्ट लिया। और फिर अंत में स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ वो 1857 में जो हुआ उसमें सभी जगह के लोग, जिसमें पेशवा नाना साहब को नेता बनाने की बात हुई और वहाँ पे जो आंदोलन करने के लिए बरेली से, कानपुर से, इलाहाबाद से लोग खड़े हो गए और जिसमें हमारे बहुत से देशभक्त मारे गए। परंतु जैसा कि आप जानते ही हैं कि 1857 को जो क्रांति हुई थी उसके बाद हमारे देश के बहुत से देशभक्त जो थे वो मारे गए, परंतु फिर भी वे अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे
और तब तक लड़ते रहे जब तक कि उन्होंने हमारे देश को आजाद नहीं करवा दिया। तो ये जो हमारा लेसन था ये इसमें पार्ट्स में दिया गया था और आपने इसको पढ़ा होगा और आपको समझ में आ जाएगा। ये लेसन एक बार यदि हम और रीड करेंगे तो उसके बाद हमें अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो एक बार तो हमें ऑनलाइन पढ़ चुके हैं, उसके बाद यदि हमारी क्लासेज ऑफलाइन होती हैं तो फिर हम एक बार फिर रिपीट करेंगे तो आपको पूरा लेसन अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। और आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं, कल की क्लास में फिर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।